घूंघी बनकर तैयार है मस्त एकदम से। थोड़ा सा शक्कर और गुड़, मस्त बनाएंगे, बहुत अच्छा भी बनता है, बहुत मस्त लगता है खाने में। हेलो दोस्तों, सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हमारे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। सुबह के 7 बजे राधे राधे। अभी सोकर उठे हुए हैं नींद में, राधे राधे। घर में दादी का परेशान कर रही है आंसू। गर्मी में पैसे हाँ रहा। आ पिलाइया ना, खूनी कहाँ रही थी? दादी रही थी कटे के लिए लगा। दादी थी? हाँ। उसके भी लगा दो आंसू के। रुक जाओ, मैं अभी अपने पैर में देखो। दोस्तों आग जला दी है, जलने लगा है। अब यहाँ पे लिए हैं आम, आम लिए हैं। अब इन आम को धो के अब रख देंगे आग में। कप मांग रही है चाय पीने को। चाय पीना है? मुंह लेंगे तो जल्दी सीझेगा, उबले। दोस्तों जब तक हमारा आम पक रहा है तो हम थोड़ी से बेसन घोल लेंगे। तो इधर लिए हैं हम बेसन और इसको घोल ले रहे हैं। इतना सा बचाया हमारा बेसन, डाल के थोड़े से पानी घोल लेते हैं। घोल लिए हैं, अब इसको रख देंगे। अब देखते हैं आम हमारा हो गया कि नहीं। हमारा आम हो गया है, अब इसको अच्छे से पका दिए हैं। अब इसको उतार लेंगे। उतार लिए हैं, अब निकाल के धर रख देंगे तब ठंडा हो जाएगा। इधर में चढ़ा दिए हैं चावल धो करके तवेलिया में। दोस्तों जब तक हमारा आम ठंडा होगा तब तक हम चढ़ा दिए हैं कढ़ाई, बना ले रहे हैं इसका बूंदी बेसन का। तो हमारा बेसन भी फूल गया है, अब बना लेते हैं बूंदी। डाल देंगे इसमें तेल, बूंदी बना लेते हैं पहले। तो चलिए बनाते हैं। दोस्तों धनिया की सहायता से बनाएंगे, इससे बहुत अच्छा रहता है। आप लोग देख सकते हैं इससे बढ़िया भुजिया आता है। दोस्तों हमारा अच्छा से बन गया है एकदम लाल। अब इसको निकाल लेते हैं। देखिए मस्त निकाल लिए हैं। देखिए दोस्तों एकदम से पूरा अलग अलग हमारा बूंदी कितना मस्त एकदम बना है, एक में चिपका हुआ है, पूरा अलग अलग बना है। अच्छा से बनाए हैं दोस्तों, बना लिए हैं। अब कढ़ाई उतार लेंगे, इसमें तेल जा रहा है तो इसका तेल पलटेंगे। तैयार हो गया है, कितना मस्त बना है एकदम से। अब आमा भी ठंड हो गया है तो इसको इसका निकाल लेंगे गूदा। कितना एकदम बहुत इसमें गूदा निकलता है, इस आदमी में गोही छोटी सी निकलती है।
पानी और बढ़िया से घोल लेंगे। बहुत अच्छा बनता है ना इसका। घोल लिए हैं, अब फिर से चढ़ाते हैं कढ़ाई। तो पहले भून लेंगे, धनिया जीरा भून लेते हैं। तो चलिए थोड़ी से तवा चढ़ा के भून लें। इसमें तेल था ज़्यादा तो इस तेल को निकाल दिए। इसी में फिर बघार देंगे। जीरा डाल देंगे और से खड़ा धनिया और थोड़ी सी सरसों और मिर्चा से इसको बढ़िया से बघार देंगे। मिर्चा है एकदम से है ना, जैसे शादियों में आता है, अच्छा लगा रहा है एकदम से। पूरा डाल देंगे, हमारा हो गया है। अब डाल देंगे हम जो घोरे थे, दोस्तों थोड़ा सा शक्कर मिलाए हैं, थोड़ा से थोड़ा गुड़ मिलाए हैं। दोनों मिला देंगे ना तो अच्छा लगता है। अब इसको अच्छा पकाएंगे, जब पक जाएगा थोड़ी से थोड़ा सा नमक डाल देंगे और थोड़ी से हल्दी डाल देंगे तो अच्छा इसका कलर भी लगेगा। तो इसमें जीरा और इसको गरम कर लेंगे कटोरी को। अब इसको भून लेते हैं। इसको भी अब डाल देंगे। कितना मस्त बन गया। देखिए दोस्तों हमारा कितना मस्त बनकर तैयार हुआ है, एकदम मस्त हमारा बन गया है, एकदम बहुत मस्त बना है। तो रोटी सेक लेते हैं। सब हमारा रोटी भी बन गया, इधर में रोटी भी बना लिए हैं और इधर बन गया है। अब दे देते हैं खाना सूभी के पापा को, टाइम हो गया है, काम पे जाना है। तो अब डालते हैं। ये देखिए हमारा थाली लग गया। तो चलिए खाना खा लेते हैं।